हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया हमदर्द में एम फार्मा एडमिशन के बारे में। तो अगर आप भी एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो जामिया हमदर्द में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एम फार्मा की कितनी सारी सीट हैं, कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल होते हैं, और डिपार्टमेंट मतलब स्पेशलाइजेशन कौन कौन से फील्ड में आपको मिलता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ये भी जानेंगे कि जीपेट और नॉन जीपेट का क्या क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का, और साथ में साथ स्कॉलरशिप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है एम फार्मा का, वो होता है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का ये सेंटर है, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, इसके पहले मैंने बी फार्मा डी फार्मा के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो कोई कैंडिडेट अगर जानना चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, किस बेसिस पर होता है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए अब बात करेंगे हम एम फार्मा एडमिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीट कितनी सारी हैं। देखिए यहाँ पे सीट कितनी सारी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सीट जो है वो टोटल 77 सीटें हैं, एम फार्मा मास्टर इन फार्मेसी होता है और सीट जो है टोटल 77 सीट अवेलेबल है। बात करते हैं टू ईयर का कोर्स होता है। देखिए, टू ईयर का फोर्थ सेमेस्टर में डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड होता है, और ये 77 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, जो हमने बात किया था कि स्पेशलाइजेशन कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए स्पेशलाइजेशन नंबर ऑफ द सीट मे वेरी एज पर द AICTE PCI नॉर्म्स। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे सीट है स्पेशलाइजेशन की, वो एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स में 15 सीट अवेलेबल है, फार्माकोलॉजी में 15 सीट अवेलेबल है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 10 सीट है, फार्माकोग्नोसी में 8 सीट है, एम फार्मा फार्मेसी प्रैक्टिस में 8 सीट है, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में 8 सीट है, और एम फार्मा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 8 सीट है, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट है। तो आप लोग देखिए, ये है सीटों का विवरण है कुछ इस तरीके से है। तो और हम नीचे चलते हैं, आप जानते हैं कि आप लोग कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं यहाँ पे एम फार्मा करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आप लोग देख पा रहे होंगे, अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन पास्ट बी फार्मा एग्जामिनेशन फ्रॉम दी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई जामिया हमदर्द एंड अप्रूव्ड बाई PCI AICTE सिक्योरिंग एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ द एग्रीगेट थ्योरी पेपर एंड प्रैक्टिकल। तो जो भी कैंडिडेट हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि PCI और AICTE के अंतर्गत आता है या तो जामिया हमदर्द से, उन्होंने अपना बी फार्मा कर रखा है, तो वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं और उनके बेसिकली बी फार्मा में 55% मार्क्स रहने चाहिए। बात करते हैं, सबसे पहले देखो प्रेफरेंस किसको देंगे। तो प्रेफरेंस जो मिलेगा वो सबसे पहले जीपैट कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है दोस्तों, जीपैट कैंडिडेट को मिलेगा। अभी मैं नॉन जीपैट की भी बात करूँगा। बात करते हैं यहाँ पे देखो, फॉर कंसिडरेशन अंडर द स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट हैव बिन टू ईयर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस एंड रजिस्टर्ड एंड फॉर्म इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, कंसिडर एज फ्रेश कैंडिडेट में बी गिवन। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जीपैट क्वालिफाई होकर आ रहे हैं, ठीक है, और वह एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, अगर वो एडमिशन यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं तो उसके बाद नॉन जीपैट कैंडिडेट को वहाँ पे क्वालिफाई मतलब ये लोग कंसिडर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि नॉन जीपैट का ये लोग एडमिशन नहीं लेंगे, आप लोग भी देख पा रहे हैं कितनी सारी कम सीटें हैं। तो नॉन जीपैट कैंडिडेट जो हैं उनका अच्छा जो है बी फार्मा में अगर परसेंटेज है और वो चाहते हैं यहाँ पे एडमिशन लेना, तो आप लोग फॉर्म जो है फिल कर सकते हो, बाकी ये कन्फर्म श्योर नहीं कर सकते कि नॉन जीपैट कैंडिडेट का जो एडमिशन होगा, ठीक है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में ये बात इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए आप लोग, सिलेक्शन प्रोसीजर, द एडमिशन ऑफ डी एम फार्मा प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ जीपैट क्वालिफाई कैंडिडेट। आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए, जितने भी जीपैट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं सबसे पहले जो है उनको ऑफर्ड किया जाएगा। इफ सफिशियंट नंबर ऑफ जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट, देखो इफ सफिशियंट नंबर ऑफ जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, एडमिशन विल बी सबक्यूटली ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑन द बी फार्मा परसेंटेज। देखिए, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, अगर जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है अवेलेबल नहीं हो पाते, मतलब वो लोग सीट छोड़ देते हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता है बहुत ज़्यादा फीस है यहाँ पे एम फार्मा में भी। तो अगर आप लोग फीस का जो है जानना चाहते हो कितनी सारी फीस है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा था, यहाँ पे बी फार्मा के परसेंटेज मेरिट पे आपका एडमिशन हो जाएगा अगर जो है जीपैट के जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है अगर वो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो, ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट, स्कॉलरशिप में बी अवेलेबल फॉर एम फार्मा स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाइड फ्रॉम द AICTE।
जैसा कि आपको पता है कि जो भी कैंडिडेट जो होते हैं एम फार्मा क्वालिफाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको जो है जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना जरूरी होता है। तो जो भी स्टूडेंट जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, ठीक है, स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी मिलती है जी स्कॉलरशिप? वो मिलती है 12,400 रुपये पर मंथली बेसिस पे मिलती है, यानी कि हर एक महीने में आपको 12,400 रुपये गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए फीस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, और बाकी आप लोग और भी अदर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। अभी के लिए फार्मा कैंडिडेट के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। चलिए अब तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी जैसे कि अदर इन्फॉर्मेशन होगा मैं वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।